नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर बिहार में हिमालय से उतरने वाली नदियों की संख्या अनगिनत है। आज लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर इन नदियों ने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है, पर इनके नाम देखेंगे तो इनमें से किसी भी नदी के नाम में, विशेषण में, दुख का कोई पर्यायवाची देखने को नहीं मिलेगा। ये नाम है कंकई, कबल, करे, कोसी, कौशिकी, कमला, कमला बलान, भूतही बलान, कमलदह, खिरोई, बेती, बाया, व्याघ्रमुखी, बागमती, गंडकी, बूढ़ी गंडकी, नारायणी, लच्छाधार, लखनदेही, अधवारा, अनाम सनाम, सिंघा, मेची, महानंदा, मुरने, मरने, मही, सौरा, सिंहा, सैरी, तिलयुगा, तिलाबा, जमुनिया, जमुआरी, जीवच, धमुरा, धनौती, धुबहा, घगरी, डोरी, हरदी, थोमने, जमुने, घाउस, दाहा, दिघनी, दाऊ, देवयानी, झरी, चिलोनी, चंदना, पनार, पितनो, रामरेखा, उरई, हैयाधार, लोनसवरी, नागर, रमजान नदी। एक नदी का नाम रमजान नदी भी है। लेकिन दो लाइन और, किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर रमजान नदी शहर के पश्चिमी भाग से रेल लाइन को पार कर दक्षिण की ओर चलने लगती है। क्या आपको पता था कि एक रमजान नदी है? किशनगंज शहर के बीच में यह है रमजान नदी, और आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये पूरा रमजान नदी है। ये रमजान नदी बहुत ही खूबसूरत नदी है, लेकिन इस नदी को अगर सही से डेवलप किया जाए तो ये शहर किशनगंज नीदरलैंड के तरह, लंदन के तरह महसूस होगा। अब इस किताब की आखिरी पंक्तियां सुन। इस प्रकार दाऊ, रमजान और सुधानो नाम से प्रसिद्ध इन तीन नदियों की त्रिधारा के वर्णन विनियोग के साथ ही उत्तर बिहार की समस्त नदियों की कहानी समाप्त होती है।